हर शय में तेरे जलवे, हर शय में तेरे जलवे, हर चीज तेरी पहचान। चिड़ियों के चहक, फूलों की महक, पत्तों की खनक, माशाल्लाह की चमक, बिजली की कड़क, पुर नूर फलक, सुबहानल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू कंजली मॉम्स मूवी टीवी। आओ बच्चों, आज हम मिलकर अपना सबक पढ़ते हैं। आप भी मेरे साथ मिलकर पढ़ें। Dear children, open your English book, unit number 1. Wonderful day of Eid. Eid ka shandar din. Nadir looked happily at his blue shalwar kameez in the blue cap woven with golden threads which glistened in the sun. Nadir looked dikhai diya happily khush at his blue shalwar kameez, apne neeli shalwar kameez mein, and the blue cap aur neeli टोपी वुवन विद गोल्डन थ्रेड, सुनहरी धागों से वुवन बुनी हुई, गोल्डन थ्रेड सुनहरी धागों से, विच जो के ग्लिसन चमकती थी इन द सन सूरज में। नादी लुक हैप्पीली एट हिज ब्लू शलवार कमीज एंड द ब्लू कैप वुवन विद गोल्डन थ्रेड विच ग्लिसन इन द सन। नादिर अपनी नीली शलवार कमीज और सुनहरी धागों से बुनी हुई टोपी जो के सूरज की रोशनी में चमक रही थी पहन के खुश लग रहा था। ही स्ट्रोक्ड, उसने थपथपाया या हाथ फेरा हिज न्यू ड्रेस, अपने नए लिबास पर लविंगली प्यार से, विच ही वॉज गोइंग टू वेयर ऑन ईद डे, जो कि वो ईद के दिन पहनने जा रहा था, टू सी हिज प्रेयर, अपनी नमाज अदा करने के लिए। ही स्ट्रोक्ड हिज न्यू ड्रेस लविंगली, विच ही वॉज गोइंग टू वेयर ऑन ईद डे, टू सी हिज प्रेयर, उसने प्यार से अपने नए कपड़ों पर हाथ फेरा जो उसने ईद के दिन नमाज पढ़ने के लिए पहनने थे। ईद वॉज जस्ट 5 days अवे, ईद से 5 दिन दूर थी। ईद वॉज जस्ट 5 days अवे, ईद से 5 दिन दूर थी। वैन, जब नादिर रीच्ड होम, जब नादिर घर आया आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद, हिज मदर, उसकी माँ ने गेव दिया हिम, उसे द गुड न्यूज, अच्छी खुशखबरी, डैट हिज फादर वुड गो टू द ईदगाह विद हिम, के उसके वालिद उसके साथ ईदगाह जाएंगे। When Nadir reached home after school, his mother gave him the good news that his father would go to the ईदगाह with him. जब नादिर स्कूल के बाद घर पहुंचा, उसकी अम्मी ने उसको खुशखबरी सुनाई कि उसके अब्बू उसके साथ ईदगाह जाएंगे। नादिर वेटेड फॉर हिज फादर, नादिर ने अपने वालिद का इंतज़ार किया, टू रिटर्न फ्रॉम कश्मीर बॉर्डर, कश्मीर की सरहद से वापसी का। नादिर वेटेड फॉर हिज फादर टू रिटर्न फ्रॉम कश्मीर बॉर्डर, नादिर अपने अबू का कश्मीर की सरहद से वापस आने का इंतज़ार कर रहा था। हिज फादर वॉज इन पाकिस्तान आर्मी एंड वॉज पोस्टेड देयर। His father was in the Pakistan Army, उसके वालिद पाकिस्तानी फौज में थे, and was posted there, और वहाँ पर नौकरी कर रहे थे। His father was in the Pakistan Army and was posted there, उसके अबू पाकिस्तान आर्मी में नौकरी कर रहे थे। Next day, अगले दिन, when he returned home from the bazaar, जब वो बाज़ार से वापस आया, He found his mother sitting in the living room. उसने देखा कि उसकी माँ बैठक में बैठी है। Next day when he returned home from the bazaar, he found his mother sitting in the living room. अगले दिन जब वो बाज़ार से घर वापस आया तो उसने देखा कि उसकी अम्मी बैठक में बैठी हुई थी। She looked sad, वो उदास दिखाई दे रही थी। She looked sad, वो उदास दिखाई दी। नादिर मदर व्हाट्स द मैटर, अम्मी क्या बात है, नादिर ने अपनी माँ से पूछा। मदर व्हाट्स द मैटर, माँ क्या बात है। मदर, माँ, आई एम सॉरी, मुझे अफसोस है। नादिर मॉम रिप्लाई डेट आई एम सॉरी, कि मुझे अफसोस है नादिर, योर फादर्स लीव हैज़ बीन कैंसल्ड,
तुम्हारे अब्बू की छुट्टी मंसूख हो गई है। He cannot come home for Eid, वो ईद के लिए घर नहीं आएंगे। The mother replied, I am sorry, Nadi. नादी की माँ ने जवाब दिया, मुझे अफसोस है, Your father's leave has been cancelled, आपके वालिद की छुट्टी मंसूख हो गई है। He cannot come home for Eid, वो ईद पर घर नहीं आ सकते। Nadir's heart sank. नादिर का दिल उदास हो गया। नादिर बट मदर फादर प्रोमिस टू कम डिड ही नादिर लेकिन अम्मी अबू ने आने का वादा किया था क्या उन्होंने नहीं किया था नादिर बट मदर लेकिन माँ फादर प्रोमिस टू कम अबू ने आने का वादा किया था डिडंट ही क्या उन्होंने नहीं किया था मदर माँ आई नो मैं जानती हूँ सन बेटा ही डेट उन्होंने किया था बट ही हैज़ टू परफॉर्म ड्यूटीज फॉर आवर कंट्री लेकिन उनको हमारे मुल्क के लिए अपना फ़र्ज अंजाम देना होगा बट ही हैज़ टू परफॉर्म ड्यूटीज लेकिन उन्हें अपना फ़र्ज अंजाम देना होगा फॉर आवर कंट्री हमारे मुल्क के लिए Be brave, बहादुर बनो नादिर went to his room, नादिर अपने कमरे में गया and burst into the tears, और फूट फूट कर रोने लगा नादिर अपने कमरे में चला गया और फूट फूट कर रोने लगा Only 2 days were left for Eid, ईद में सिर्फ 2 दिन बाकी थे He prayed for the safety of his father and the other people. उसने अपने अबू और दूसरे लोगों की हिफाजत के लिए दुआ की On 29th of Ramadan, after prayer, they went to the terrace to look for the moon. 29वें रमज़ान नमाज के बाद वो चांद देखने छत पर गए 29वें रमज़ान वो नमाज अदा करने के बाद चांद देखने के लिए छत पर गए इट वॉज़ देयर चांद नज़र आ गया सो नेक्स्ट डे वॉज ईद तो लिहाजा अगले दिन ईद थी ऑन ईद मॉर्निंग ईद की सुबह नादिर वोज हिज न्यू ड्रेस आफ्टर टेकिंग बाथ ईद की सुबह नहाने के बाद नादिर ने अपना नया सूट पहना बट ही वॉज रेदर सैड लेकिन वो कदरे उदास था हिज फ्रेंड उसके दोस्त आरिफ नासिर एंड उमर केम टू विश हिम ईद मुबारक उसके दोस्त आरिफ नासिर और उमर उसको ईद मुबारक बात देने के लिए आए On Eid's morning, Eid की सुबह नादिर wore his new dress. नादिर ने अपना नया लिबास पहना after taking bath नहाने के बाद But he was rather sad, लेकिन वो कदरे अफसोस में था His friends आरिफ उसके दोस्त आरिफ नासिर और उमर उसको ईद मुबारक कहने आए थे या ईद की मुबारकबाद देने आए थे All his friend, उसके तमाम दोस्त were going to ईदगाह उसके तमाम दोस्त ईदगाह जा रहे थे for Eid prayer, ईद की नमाज के लिए with their fathers, अपने वालिद के साथ उसके तमाम दोस्त अपने अब्बू के साथ ईद की नमाज पढ़ने ईदगाह जा रहे थे But Nadir wasn't, लेकिन Nadir नहीं गया He will say his prayer at home, वो अपने घर पर ही नमाज अदा करेगा He went and sat in a corner. वो एक कोने में जाकर बैठ गया He went and sat in a corner. वो एक कोने में जाकर बैठ गया He prayed. उसने दुआ की and prayed और दुआ की But his father didn't come. लेकिन उसके वालिद वापस नहीं आए At that moment, उसी लम्हे the doorbell rang. दरवाजे की घंटी बजी He rushed to open the door. वो दरवाज़ा खोलने के लिए भागा He couldn't believe his eyes. वो अपनी आंखों पे तबाह नहीं कर सकता था His father, उसके वालिद had come to surprise him. उसको हैरान करने आ गए थे
His prayers had been answered. उसकी दुआओं का जवाब मिल गया. He got the real gift of Eid. उसको ईद का असल तोहफा मिल गया. Father Nadir slept Hari. The prayer are about to begin. Nadir, Abu. Nadir के वालिद क्या कहते हैं? Nadir let's hurry. The prayer are about to begin. नादिर जल्दी करो, नमाज शुरू होने वाली है. माई कमांडिंग ऑफिसर ग्रांटेड मी लीव एज फ्रेश फोर्सेज हैड अराइव. मेरे कमांडिंग ऑफिसर ने मुझे छुट्टी दे दी थी क्योंकि नई फौज पहुंच चुकी थी. माई कमांडिंग ऑफिसर ग्रांटेड मी लीव. मेरे कमांडिंग ऑफिसर ने मुझे छुट्टी दे दी थी एज जैसा कि नई फौजें आ चुकी थी. Now Nadir was very happy. अब नादिर बहुत ज़्यादा खुश था. He walked happily towards the ईदगाह with his father. वो अपने अबू के साथ खुशी खुशी ईदगाह की तरफ गया. Initiate discussion with the students on the various festivals of the Pakistan like ईद उल अज़हा, ईद मिलाद उन नबी, 15 शबान. Ask students to give some more pairs of words like the one in the exercise for grammar section. मोहतरम असातिज़ा इकराम, आप बच्चों से इसी तरह ईद फेस्टिवल के अलावा मुख्तलिफ फेस्टिवल्स जो पाकिस्तान में मनाए जाते हैं, जैसे ईद मिलादुन नबी है, जैसे 15 शबान है, जैसे 27वीं रजबुल मरजब है, उसके मतलब आप डिफरेंट क्वेश्चन पूछ सकते हैं और इसी तरह आप बच्चों को बताएं कि ईद क्या है. और ऐसे ही जैसे पाकिस्तान आर्मी में लोग काम करते हैं तो किस तरह उनकी फैमिली सफ़र करती है. तो इस चैप्टर में हमने ना सिर्फ ईद के बारे में पढ़ा कि ईद पे हम लोग बहुत खुश होते हैं, नए कपड़े बनाते हैं, बल्कि ये भी पढ़ा कि किस तरह जो आर्मी है, आर्मी में जो लोग हैं जो सरहद पे हमारी हिफाजत के लिए हैं, तो वो किस तरह अपनी फैमिलीज को इग्नोर करके हमारे लिए वहाँ पर फाइट करते हैं. आइए बच्चों, अब हम डिफ़िकल्ट मीनिंग्स करते हैं. Words and the meanings. Wonderful, शानदार. Wonderful, शानदार. Happily, खुशी. Woven, बुनी हुई. Threads, धागे. Wonderful, शानदार. Wonderful, शानदार. Happily, खुशी. Woven, बुनी हुई. Threads, धागे. Glisten, चमकना. Stroke, हाथ फेरना. Dear children, read aloud with me. Wonderful, शानदार. Happily, खुशी. से वुवन बुनी हुई, थ्रेड्स धागे, ग्लिसन चमकना, स्ट्रॉक हाथ फेरना. ग्लिसन चमकना, स्ट्रॉक हाथ फेरना. डियर चिल्ड्रन रीड अलाउड विद मी. वंडरफुल शानदार हैप्पीली खुशी. से वुवन बुनी हुई, थ्रेड्स धागे, ग्लिसन चमकना, स्ट्रॉक हाथ फेरना. लविंगली प्यार से वेयर पहनना. से प्रेयर नमाज पढ़ना, अवे दूर. लविंगली प्यार से वेयर पहनना. से प्रेयर नमाज पढ़ना, अवे दूर. लविंगली प्यार से वेयर पहनना. से प्रेयर नमाज पढ़ना, अवे दूर. रीच पहुंचना, बॉर्डर सरहद. पोस्ट नौकरी करना, मैटर बात. सैड उदास, लीव छुट्टी. सॉरी अफसोस. कैंसल मंसूख, सैंक दिल बुझ जाना. प्रॉमिस्ड वादा किया. परफॉर्म अंजाम देना. ड्यूटी फरीजा. ब्रेव बहादुर. ब्रेस्ट फूट फूट कर. सॉरी अफसोस. कैंसल मंसूख, सैंक दिल बुझ जाना. प्रॉमिस्ड वादा किया. परफॉर्म अंजाम देना. ड्यूटी फरीजा. ब्रेव बहादुर. ब्रेस्ट फूट फूट कर. सॉरी अफसोस. कैंसल मंसूख, सैंक दिल बुझ जाना. प्रॉमिस्ड वादा किया. परफॉर्म अंजाम देना. ड्यूटी फरीजा. ब्रेव बहादुर. ब्रेस्ट फूट फूट कर. टीयर्स आंसू, लेफ्ट बाकी रह जाना. प्रेड दुआ की. सेफ्टी हिफाजत. टेरेस छत. वॉर पहना. बात नहाना. वेदर कदरे. टीयर्स आंसू, लेफ्ट बाकी रह जाना. प्रेड दुआ की. सेफ्टी हिफाजत. टेरेस छत. वॉर पहना. बात नहाना. वेदर कदरे. चेयर्स आंसू, लेफ्ट बाकी रह जाना. प्रेड दुआ की. सेफ्टी हिफाजत. टेरेस छत. वॉर पहना. बात नहाना. वेदर कदरे.
कॉर्नर कोना बिलीव यकीन करना रैंग घंटी बजना रश भागना कॉर्नर कोना बिलीव यकीन करना रैंग घंटी बजना रश भागना कॉर्नर कोना बिलीव यकीन करना रैंग घंटी बजना रश भागना सरप्राइज हैरान रियल असल गिफ्ट तोहफा हरी जल्दी बिगिन शुरू ग्रांट देना फ्रेश न्यू नई अराइव पहुंचना टूअर्स की तरफ सरप्राइज हैरान रियल असल गिफ्ट तोहफा हरी जल्दी बिगिन शुरू ग्रांट देना फ्रेश न्यू नई अराइव पहुंचना टूअर्स की तरफ सरप्राइज हैरान रियल असल गिफ्ट तोहफा हरी जल्दी बिगिन शुरू ग्रांट देना फ्रेश न्यू नई अराइव पहुंचना टूअर्स की तरफ डियर चिल्ड्रन लर्न द मीनिंग्स ऑफ द डिफिकल्ट वर्ड्स ऑल्सो रीड अलाउड द वर्ड्स अगेन एंड अगेन ऑल्सो लर्न द ट्रांसलेशन ऑफ द चैप्टर थैंक यू हर शय में तेरे जलवे हर शय में तेरे जलवे हर चीज तेरी पहचान ऐ रब्बे दो जमा।